को सजा मिले, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। 10.5 साल के बाद आने का मुझे अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम और फिर मेरी गैर हाजिरी में एक दुष्प्रचार किया, जब चुटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो। एक मुहावरा है, आवाज एक अलग, नगाड़ा एक खुदा। नारे व्यक्तिगत नहीं लगाए जाते, अगर नारे लगाने से काम करता तो मैं जेल में खाली बैठा था, मैं अकेला ही चला लेता। प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र से आए हुए पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप आए चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं भी उनके जन्मदिवस पर उनको समर्पण भाव से सम्मानित करूंगा। और आपको ये वायदा दिला करके जा रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, जो पूर्ण रूप से निश्चित, आज हर आदमी की जबान पर एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग, नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद मैं आपकी सारी दुख तकलीफ और मुसीबतों का निवारण करने का काम करूंगा। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हम बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करेंगे। आपके बीच में 10.5 साल के बाद आने का मुझे अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया और फिर मेरी गैर हाजिरी में एक दुष्प्रचार किया कि अब चुटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज आपके संगठन की मजबूती की बहुत आवश्यकता है। ये जन सम्मान इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने निश्चित रूप से इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार को बदलने का मन बना लिया। जेल से रिहा होने के बाद पहली दफा मुझे उन साथियों का आभार करने का अवसर मिला जो पिछले 10 महीनों से किसान के हितार्थ आंदोलन में जूझ रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे किसान आज आपके अधिकारों के लिए संघर्ष में जूझ रहे। और मुझे गौर से देखने का अवसर मिला कि उस संघर्ष में केवल किसान ही नहीं,
आज 36 बिरादरी के लोग शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी कारखानेदार और मजदूर किसान और कमेरा 36 बिरादरी के लोग इस कुशासन का अंत करने के लिए मन बनाए बैठे। उनकी भावनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप संगठन को पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मजबूत बनाए। संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। अभी हरियाणा प्रदेश में एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली है। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक अगर कोई सीट खाली होती है तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ता है, लेकिन सरकार इस डर से उस चुनाव को टालती जा रही है कि सरकार में तुम्हारी हार होगी, इसलिए वो इस चुनाव को टाल रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कैथा और टालेगी, आखिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, और जब चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। आपका आंदोलन सफल होगा। इस देश में किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इससे पहले भी 4 किसान आंदोलन हुए। वर्ष 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम पर एक आंदोलन चला था, उसे बहुत कामयाबी मिली थी। सन 1917 में बिहार का चंपारण आंदोलन भी इस बात का प्रमाण है कि किसान वर्ग के लोग आज अपने अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं। 1918 में गुजरात का खेदा आंदोलन और वर्ष 1928 में गुजरात का बारडोली आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि सभी आंदोलनों में किसानों की जीत हुई। निश्चित रूप से इस आंदोलन में आपकी जीत होगी, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाओ। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है, और जमात जब बड़ी होगी तो फिर निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, सरकार आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो देसी भाषा में आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे खोटों में काट दो, कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं। 3210 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटनी पड़ी थी। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या किसान है, चाहे किसान है या कमेरा, हम सबको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करें। और गांव का और शहर का जो कोई आदमी अच्छे पद पर बैठेगा फिर वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इसलिए योग्य लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने का काम हम करेंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में आके वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं माने। किसी योग्य माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उसको सजा मिले, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ हरियाणा को सम्मान मिले, हरियाणा का किसान और कमेरे को रोजगार मिले, हरियाणा का आपसी भाईचारा मजबूत हो, और जब 36 जात के लोग इकट्ठे होंगे
तो फिर जात पात का जहर फैलाने वाले इस लुटेरी सरकार का पतन निश्चित रूप से होगा। फिर आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको अनेक प्रकार की सहूलियात और सुविधाएं मिलेगी। इसलिए आप इतनी भारी संख्या में आए, ये कोई पहला अवसर नहीं है। जब भी हमारी जनसभाएं होती है, इसी प्रकार का अपार जन समूह हमारी सभाओं में आता है। मैं देखता हुआ आया हूँ, जितने लोग यहाँ सभास्थल में उपस्थित है उसने उससे दुगनी संख्या में लोग सड़कों पे है, वो पहुँच नहीं पाए हैं अब तक। इसलिए लोग 70% नहीं, 100% आपके साथ हैं। उन लोगों का साथ जुटा लो जो रूठे हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, जो गुमराह हो गए हैं, उन्हें पुचकार करके पार्टी में शामिल करो। और जब आप सब लोगों को जोड़ोगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको सम्मानजनक जीवन पैदा करने का अवसर मिलेगा, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, ये आपके मन में विश्वास होना चाहिए। यही सब बातें करने के लिए आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्मदिवस पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहाँ हम संकल्प लेकर के जाएं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करें। किसान आंदोलन कभी फेल नहीं हुए, इतिहास गवाह है। 1907 में पंजाब में एक आंदोलन समाज चला था, पगड़ी संभाल जट्टा, और 1917 में जींद में एक आंदोलन चला था, उसमें भी किसानों ने लड़ाई लड़ी थी। 1918 में फिर जींद के एक आंदोलन हुआ था, और 1928 में फिर देश के अंदर एक आंदोलन हुआ। चारों आंदोलनों में किसानों को सफलता मिली थी, और ये जो पांचवा आंदोलन है इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप हौसला रखो, डटे रहो, मैदान आपके हाथ में होगा, सरकार आपकी बनेगी, और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर निश्चित रूप से आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अब आपको 4 साल इंतज़ार करने की जरूरत है। एलनाबाद का चुनाव निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, और आपकी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा, और फिर सरकार में भगदड़ मच जाएगी, इस सरकार में खलबली मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। जो इनके चुने हुए साथी हैं वो इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और जब सरकार अल्पमत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे, और मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनना निश्चित है, और जब आपकी हरियाणा में सरकार बनेगी तो उसका अनुसरण देश के दूसरे हिस्सों की सरकारें भी करेगी। सारे देश में परिवर्तन आएगा, और इस परिवर्तन का श्रेय हरियाणा प्रदेश के बहादुर और जागरूक मतदाताओं का मिलेगा। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनको हर प्रकार का सम्मान प्रदान करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए संगठन को मजबूत बनाएं। यही आग्रह करने के लिए आज आपको निमंत्रण दे करके यहाँ बुलाया, आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और देश की जो बुरी हालत है उस बुरी हालत को सुधारने का हम काम करें। साथियों, नारे व्यक्तिगत नहीं लगाए जाते, अगर नारे लगाने से काम करता तो मैं जेल में खाली बैठा था, मैं अकेला ही चला लेता। काम करने से काम चलेगा। साथियों, हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं हमने लोगों को दी थी उससे ज़्यादा सुविधाएं हम देंगे, ये मैं आपसे वायदा करके जाता हूँ। आपके कर्जे माफ होंगे, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, कारखाने पुनः चालू किए जाएंगे, और लोगों को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। यही कुछ बातें करने के लिए आपको निमंत्रण दे करके यहाँ बुलाया, आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
और एक बात आपसे खास तौर से कहना चाहूँगा, आज सारा देश महात्मा गांधी को किस नाम से याद करता है आपको ज्ञान? महात्मा गांधी को सारा देश राष्ट्रपिता के नाम से याद करता है कि नहीं करता? और चाचा नेहरू को ये देश, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये देश चाचा नेहरू के नाम से याद करता है। इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल जी को ये देश ताऊ के नाम से याद करता है, और ताऊ की भूमिका अच्छे ढंग से रही है। हम अपने बचपन को याद करें, हमारे किसी काम की सज़ा अगर हमें मिलती तो पिताश्री हमारी मदद नहीं करते थे, चाचा भी मदद नहीं करता था, लेकिन ताऊ के पास जब आप जाते थे तो फिर ताऊ हमें सम्मान दिया करता था, और उसके लिए अगर आर्थिक संकट था तो चांद तोड़ करके भी पैसे ला करके वो हमारी मदद करता था। आज समूचे राष्ट्र के स्तर पर ताऊ की उपाधि एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि है, इसलिए ताऊ के सम्मान में हम आप सब लोग यहाँ आए, आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।